खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल गुस्से के बाद सीएम नीतीश आज फिर बोले, कहा जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी बारिश इस बार हुई। बिहार की बाढ़ में अकेले पड़े नीतीश मीडिया रिपोर्टरों पर भड़क गए। यहाँ पर सारा काम किया जा रहा, इसमें आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लोगों ने घेर लिया, बाढ़ से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। दुबे पटना में बीजेपी ने नीतीश को अकेला छोड़ा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासनिक लापरवाही कहा तो गिरिराज ने कुव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज भी पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बोट पर भी सवार हुए। गांधी जयंती पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, साबरमती आश्रम पहुंचे, मोदी बोले दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। गांधी जयंती पर अहमदाबाद में देश के 20,000 सरपंचों से मिले पीएम मोदी, सिक्के स्टैंप और स्वच्छता सेवा पुरस्कार बांटे। महात्मा गांधी की जयंती पर देश के कई हिस्सों में कांग्रेस की पदयात्रा, दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी तो लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मार्च निकाला। गांधी जयंती के कार्यक्रम में बोली सोनिया, बीजेपी चाहती है देश का प्रतीक गांधी जी की जगह अब आरएसएस हो जाए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बोले, पाकिस्तान की तरह हमारे देश में हिंदुओं को कट्टर बनाया जा रहा है। गांधी जयंती पर गहलोत सरकार ने राजस्थान में तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई, बोले संघ बीजेपी ने हमेशा गांधी का अपमान किया, अब माफी मांगे। गांधी जी को याद करने का अनोखा तरीका, 36 घंटे तक लगातार चलेगी यूपी विधानसभा, सीएम योगी ने भजन से भी दी श्रद्धांजलि। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने एबीपी न्यूज से कहा, एनआरसी पर ममता बनर्जी लोगों में झूठ फैला रही हैं। अमेरिका में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कश्मीर का विकास हो गया तो पाकिस्तान के 70 साल के नापाक मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़, प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला, सोनिया के घर के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। अशोक तंवर के गंभीर आरोप, बोले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों में एक एक टिकट बेचा है। मुंबई के वर्ली में लगे आदित्य ठाकरे के पोस्टरों को 24 घंटे में हटाया गया, गुजराती में भी पोस्टर लगाने पर शुरू हुआ था विवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में शामिल हुई समाजवादी पार्टी, पहले 7 सीट मांगी थी, अब कम पर भी तैयार। हरियाणा चुनाव के लिए INLD ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, अभय चौटाला एलनाबाद से लड़ेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी BSP ने 27 नामों की लिस्ट जारी की, गठबंधन में नहीं लड़ रही है पार्टी।